के पुलिस हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हमारे एसपीओ भाई। मांग क्या है, हमारे सेंटर से एक लेटर आ गया है, पूरे हिंदुस्तान में जो होमगार्ड है हम उसको रेगुलाइज कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब हम जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब है जो गृह मंत्रालय से लेकर आया उसका जवाब क्यों नहीं दिया, क्या गवर्नमेंट है? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाई बहन होमगार्ड्स के लिए कहा था अपने भाषण में कि उनके बारे में भी सोचा जाएगा, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि देश की जो जो होमगार्ड ड्यूटी कर रही है उनको लाठी मारा रोड पे घसीटो, ये मोदी जी का कानून है, ये मोदी जी दे सकते हैं। ये है लेडी पावर, किस तरह से मोदी सरकार के ऊपर लगा सकते थे कि हमें जो है पुलिस द्वारा डंडे मारेंगे, हमें पुलिस द्वारा डंडे मारेंगे, उस वजह से जो है लेडी बेहोश हो गई थी। अब ये तवी ब्रिज के दृश्य पहले मैंने आपको दिखाया, उसके बाद जो है ये प्रेस क्लब की ओर रवाना होते हुए होमगार्ड्स के लोग जितने भी हैं वो तवी ब्रिज की ओर रवाना हो रहे हैं, पुलिस ने जो है उनको वहाँ से तभी ब्रिज से रवाना करके यहाँ पे इनको प्रेस क्लब की ओर भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत हो चुका था, उसकी वजह से लोगों को जो है आने जाने परेशानी हो रही थी, इस वजह से पुलिस ने सिचुएशन संभालते हुए लोगों को प्रेस क्लब की ओर रवाना किया है। ये तस्वीर आप प्रेस क्लब की देख सकते हैं, पहले जो है आपको तस्वीर दिखाई ब्रिज की थी कि किस तरह से वहाँ पर लगातार होमगार्ड का प्रदर्शन किया जा रहा था। क्या देश की रक्षा करेंगे जिन्होंने 370 तोड़ के आए जो हालात बना दिए जम्मू कश्मीर की, यही जो लेटर आपके सेंटर से आया वो आपकी झूठी बनाया है, अगर झूठी के अंदर 40,000 रुपया सैलरी मिल रही है जम्मू कश्मीर के होमगार्ड को, आप क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे किसी से लड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो है वो प्रेस क्लब के बाहर की हमें दिखा रही थी कि होमगार्ड के जितने भी लोग हैं जो हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते थे, जिससे जब लॉकडाउन था तब भी इन्होंने जो है अपना बहुत अच्छा कार्य किया, उसके बाद लगातार जो है प्रशासन की नौकरी करते रहे, गवर्नमेंट की नौकरी करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, उसके बाद जब इनको इंसाफ नहीं मिला तो ये आज सड़कों पे हैं। ये तस्वीरें आप प्रेस क्लब की देख सकते हैं, अब ये तभी ब्रिज से रवाना होकर प्रेस क्लब की ओर पहुंचे हैं, उनका लगातार प्रदर्शन जो है चल रहा था। जी जो साफ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ होमगार्ड द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था, पहले तभी ब्रिज के ऊपर जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद जो है ये तभी ब्रिज के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद इनको जब पुलिस द्वारा रवाना किया गया प्रेस क्लब की ओर, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका था, उसके बाद इनको कहा कि आप प्रेस क्लब में प्रदर्शन कर सकते हैं। इनका कहना है कि हम जो है दिन रात मेहनत करके जो है वो काम करते थे, प्रशासन का काम करते थे, गवर्नमेंट का काम करते थे, जिस तरह से जब लॉकडाउन था तब भी इन्होंने बहुत मेहनत की, काम किया, उसके बाद इनकी डिमांड्स को जो है वो सुना नहीं गया, और उसके बाद आज जो है ये रोड पे उतरे थे, रोड प्रदर्शन कर रहे थे, अभी भी जो है इनकी डिमांड्स को, इनका कहना है कि अगर हमारे डिमांड्स को
पूरा नहीं किया गया, तो हम इस जगह प्रदर्शन जो है वो करेंगे। ये तस्वीर मैं आपको प्रेस क्लब के बाहर की दिखा रही हूँ, और इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए जेके सीएनएन। मुझे बल्कि सारे जगतों को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।